तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय आवर यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। तो आपने हमारी रामायण फर्स्ट पार्ट पे बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसलिए ये पार्ट टू है, इसको भी उतना ही प्यार देगा, उससे ज्यादा ही प्यार देना। ओके, आज क्वेश्चन पूछने की बारी है मेरी, तो आज मैं क्वेश्चन पूछूंगी इन दोनों बहनों से, तो देखते हैं कितना आंसर सही मिलता है और कितना गलत मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा दीदी से, तो राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? अरे यार, अभी तो नाम याद आया था, मुझे याद है। मकरध्वज। पर इसने दे दिया, लेकिन वो आंसर मेरा था। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, लक्ष्मण जी को नागपाश से किसने मुक्त कराया था? अरे उन्होंने जो जो उड़ के आए थे ना, क्या नाम है? अरे जो उड़ के आए थे, जटायु, जटायु ना? नहीं, जटायु ने कहा था उन्होंने सीता जी ने बचाया मारा था। उड़ के आए थे हनुमान जी, उड़ के आए थे हनुमान जी। यार याद नहीं आ रहा, वो लंका से जो लेके आए थे, लंका से नहीं, जिन्होंने बचाया नागपाश से राम जी को और लक्ष्मण जी दोनों को ना। गरुड़ दीदी, गरुड़ जी ने बोला था कोई? ने कहा बोला दीदी ने? दीदी गरुड़ नहीं बोले, कह रही जिन्होंने लक्ष्मण जी का ही बोला जी। हां, गरुड़ गरुड़। अच्छा चलो, ये सवाल गलत हो गया। और तीसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? मैंने तो इंद्रजीत, इंद्रजीत, इंद्र को जीत लिया था। यस, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे खाते में आता है। हाँ ठीक है, ले लीजिए। चलो अब चौथा क्वेश्चन है, तो रामायण किस युग से संबंधित था? सतयुग। और राम जी को वनवास भेजने की जो योजना थी कैकेयी को किसने दी थी? मंथरा। और रामायण के कुल कितने अध्याय हैं? सात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न की माता का नाम क्या है? सुमित्रा। सुमित्रा। देखो इतने चीजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फिर भी इसमें भी है। अपनी भाषा में रचित रामायण को किस नाम से जाना जाता है? रामचरितमानस। हाँ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जी की सेना के दो बानरों के नाम बताइए। नल और नील। तो आज की वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो सिर्फ दो क्वेश्चन गलत दिए, इसमें से अगर कोई और भी आंसर आप लोगों को गलत लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो बताइएगा, हम और क्वेश्चंस लेके। और आपको अगर हमारी वीडियो में कोई भी गलती लग रही है ना, तो प्लीज आप बता दो कमेंट करके। ठीक है, ओके, बाय बाय।